आज हम लोग खड़े हुए हैं कांजन ग्राम पंचायत के अंदर। जी हाँ, सादुलपुर विधानसभा का सर्वे करते हुए हम आज पहुंचे हैं कांजन ग्राम पंचायत के अंदर, जहाँ पे पंचायत समिति है वो सादुलपुर लगती है, तहसील है सिद्धमुख लगती है, और विधानसभा क्षेत्र है वो तारानगर लगता है। आइए हम यहाँ पे जो ग्रामीण खड़े हैं उन लोगों से बात करेंगे कि यहाँ पे जो मुख्य समस्याएं हैं गांव की, गांव का पंचायत का विकास कैसा हो रहा है, इस क्षेत्र की समस्याएं क्या क्या है। सर, सबसे पहले आप हमें बताइए कि आपके यहाँ इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है। सबसे बड़ी समस्या एक तो यातायात की है, यहाँ नए तो रोड है, यदि डिलीवरी केस हो तो 3 घंटा लगते हैं। इसके अलावा ये पानी की समस्या है, पीने के पानी की बिल्कुल समस्या है। आप हमें ये बताइए कि आपके इस क्षेत्र के अंदर, आपकी पंचायत के अंदर कितना विकास कार्य पिछले 5 सालों में हुआ। वो तो ठीक हुआ है। ठीक हुआ। आपके विधायक कौन है। विधायक जयनारायण पूनिया जी, नरेंद्र पूनिया जी, नरेंद्र बुडानिया जी, नरेंद्र बुडानिया जी, तारानगर विधानसभा क्षेत्र आपका लगता है। तो आपके यहाँ गांव के अंदर, कांजन गांव की बात करता हूँ, कांजन पंचायत की बात करता हूँ, तो यहाँ की जो समस्याएं निकल के आ रही है वो कौन सी समस्याएं सामने आ रही है। बस ये रोड वाली आ रही है सबसे ज्यादा, रोड वाली समस्या आ रही है। तो रोड के निर्माण के लिए आपने कहीं मांग रखी। हर बार रखते हैं मांग, जब चुनाव का टाइम आता है ना तब रखते हैं। चुनाव के टाइम में रखते हैं, उसके बाद में तो हमारे को संभालते ही नहीं है। आपको संभालते नहीं है। आप भी कभी विधायक को संभालते हो जाके। बिल्कुल जाते हो। क्या जवाब रहता है। करवाएंगे काम। करवाएंगे। हाँ, लेकिन काम नहीं होता। नहीं होता है। आपके यहाँ कितना विकास हुआ है। नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है सर। 1% विकास नहीं हुआ है। जैसे आपको दिखाई भी दे रहा होगा, यहाँ देख लो आप कितना विकास है। 5 साल कोटे से कितना काम हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ है विधायक कोटे से। अब की बार तो 10 पैसे के काम नहीं हुआ विधायक कोटे से। अब की बार इस योजना में जो है गांव के, उन्होंने कितना काम करवाया। हाँ सरपंच ने कुछ काम करवाया है, जैसे ये इंटरलॉक वगैरह है ये करवा रखी है। हाँ बिल्कुल, हाँ करवा रखी है। बात करते हैं आपके यातायात की, पंचायत संबंधी कामों की, तहसील संबंधी कामों की, तो उनमें कितना विकास। नहीं, बिल्कुल नहीं है। जैसे यातायात की तो बिल्कुल ही नहीं है। यातायात की मान लो, चिकित्सा की मान लो, बिल्कुल सुविधा नहीं है यहाँ पर। कितने साल से बनी हुई है। ये लगभग 7-8 साल से बनी हुई है। वैसे तो हमेशा से ही, लेकिन रोड की वजह से ये साधन बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि रोड फूटे हुए हैं सभी, इसलिए कम हो गए हैं। हाँ जी, आप हमें ये बताइए कि आपके गांव में स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं कैसी। स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। हॉस्पिटल है नहीं। आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी तो है। आंगनवाड़ी में कोई व्यवस्था। कोई व्यवस्था नहीं। उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ तो कुछ नहीं है। घनाव से आते हैं कुछ मैडम, और कभी घनाव से आते हैं डेंगू और मलेरिया वहाँ होने के, पर यहाँ कुछ नहीं है। व्यवस्था कुछ नहीं होता। स्कूलों की व्यवस्था कैसी है। स्कूलों की ठीक ठाक सी है, कोई ज्यादा घनी सी विशेष तो है कोई। आपके यहाँ विधानसभा तारानगर लगती है, पंचायत समिति राजगढ़ लगती है, तहसील सिद्धमुख लगती है, कितनी समस्या होती है। समस्या तो घनी हुआ है। तो समाधान इसका कोई समाधान देख लियो थे ही देखो मान के रो। आपकी किसी भी पंचायत के, सर आप बताइए हमें कि आपके यहाँ पंचायत की समस्याएं क्या निकल के आ रही है। पंचायत की सारी समस्या है, मेन मुख्य तो रोड का बता दिया हमने, और पानी का समाधान 10 दिनों से आता है। पीने का पानी 10 दिन से आता है जी। बिल्कुल सुनाई नहीं पानी। और एक दूसरी ये लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। 2008 से ये देखो तार कैसे लटकते हैं, कोई समाधान नहीं है हमारा। इसके अलावा हम बात करते हैं स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी व्यवस्था। स्वास्थ्य तो ठीक है, कोई जाता तो नहीं है सरकारी में, सब प्राइवेट की तरफ जाता है। जागरूक कैसे होगा। यहाँ पे जो सरकारी हॉस्पिटल बना हुआ है, उप स्वास्थ्य केंद्र और मेन गणा हुआ है PhD नहीं है। NM1 टाइम पे आती है। हाँ, गांव चाहते जाती है, नहीं आपके घर पे रहती है। हाँ, घर पे कोई दबाव तो किसी का है नहीं, क्यों सरकारी से दवाई तो नहीं लेते हैं कोई भी, तो क्यों आएंगे। आप हमें ये बताइए कि आप भी बताइए कि आपके यहाँ अगर विकास की दृष्टि से देखा जाए तो कितना विकास हुआ। विकास क्या हुआ है, गली एक बनाई है थोड़ी मोटी बस, बीच में टुकड़ा खांचा छोड़ी है, और कोई विकास नहीं। पंचायत से कितना विकास हुआ। सरपंच के थ्रू है बस, जो हुआ है वो सरपंच ने किया है। MLA MP ने कुछ नहीं किया। 4 साल MLA के कार्यकाल को हो गए, MLA ने कभी गांव को, पंचायत को आके संभाला है। नहीं संभाला। कोई भी योगदान यहाँ पे, कोई भी विकास कार्य करवाया नहीं कराया। MP ने कुछ करवाया नहीं कराया। किसी ने कुछ नहीं किया है। और 3 समस्या वो आपने बता दी, रोड बिजली पानी जी।
कोऑपरेटिव बैंक काला मतलब पीसो टको कौन देगा नहीं, ब्याज सरकार ले को नहीं, फिर भी हर छठे महीने 500-400 हर दे गया बाद हर आदमी ना गेल साल को बीमा आयो ऐसी शेरी को नहीं गेल नहीं शेरी को नहीं हो बीमा बामा बीमा वगैरह की दिक्कत है। तो अभी हम लोग जो है वो कांजन ग्राम पंचायत में बात कर रहे थे, कांजन ग्राम पंचायत के अंदर खड़े हुए थे। यहाँ पे रोड बिजली और पानी जो कि इस क्षेत्र की मुख्य समस्या बनकर खड़ी हो गई है, लगातार जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं बिजली सड़क पानी शिक्षा और स्वास्थ्य उनके हालात बद से बदतर हो चुके हैं। तीन तीन क्षेत्रों में यहाँ पे काम करवाने के लिए लोगों को जाना पड़ता है। विधानसभा अलग है, पंचायत समिति अलग है और तहसील अलग है। तीनों क्षेत्रों में काम, तीन अलग अलग क्षेत्रों में काम होने के कारण विकास में भी बाधा आती है यहाँ पे, और लोगों की जो समस्या है वो लगातार यहाँ बनी हुई है। पंचायत से कुछ स्तर पे काम होता है तो होता है, अन्यथा यहाँ पे कोई भी काम नहीं होता है। न MLA करवाता है, न MP करवाता है, न पंचायत समिति कराती है, जिसका लोगों को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ता है। और ये क्षेत्र जो है वो पीछे की तरफ धकेलता जा रहा है, विकास से काफ़ी हद तक वंचित रह चुका है। तो लगातार आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाते रहिए, हमसे जुड़े रहिए, हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।